Welcome back to Vasubhad Balaji channel, myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give the likes, give comments and don't forget to press the bell icon. Now, today we are going to put a light on the topic that is the human nervous system. इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. ये human nervous system it's very complex. Formation में काफी complex है और उसको human यानी special mammals में human में इसको well developed बनाया गया. दिस नर्वस सिस्टम फॉर अवर कन्वीनियंस हम उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. दैट इज द फर्स्ट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन सेकेंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ये तीन पार्ट्स हैं. हर पार्ट को छोटे छोटे और सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इन टू द ब्रेन एंड सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इन टू द cranial nerves and a spinal nerves. The autonomic nervous system is subdivided into the sympathetic autonomic nervous system and parasympathetic autonomic nervous system. अब इतना बड़ा ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम पूरा नहीं देखने वाले इस वीडियो में. इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ ब्रेन देखने वाले हैं. लेकिन इनिशियली हम जनरल कुछ कैरेक्टर्स है जो दोनों में इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि ब्रेन पर भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे, उसको हम जनरल डिस्कस करेंगे. लेकिन डिटेल वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द ब्रेन. ओके, जो अपकमिंग हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल देखेंगे, उसके बाद के अपकमिंग वीडियो में हम जो है तो पेरिफेरल एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द नर्व सिस्टम. सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम को एग्जैक्टली लोकेट किया गया है इन द मिड डॉर्सल, यानी पीछे जो पीठ का पार्ट होता है उसे कहते हैं डॉर्सल, और बिल्कुल बीचों बीच मिड डॉर्सल में उसको रखा गया. देखो, ये है सेंट्रल नर्व सिस्टम का ब्रेन और ये है इसका स्पाइनल कॉर्ड, तो बिल्कुल मिड डॉर्सल में रखा गया. देन अब दोनों भी वाइटल ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है और इंपॉर्टेंट फंक्शन करने वाले हैं, कंट्रोलिंग सेक्शन में डिपार्टमेंट्स में होते हैं, इसलिए इनका प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. पहला है कि प्रोटेक्शन दो चीजों से दिया जा रहा है. एक होता है हार्ड कवरिंग, जिसे हम कहते हैं बोन, से दिया जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, दोनों को. दूसरा कनेक्शन प्रोटेक्शन दिया जाता है बोन के बाद मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन, जिसे मेनिंजेस कहते हैं. ये तीन लेयर की होती है, हम इसको वन बाय वन देखेंगे. सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया गया है, तो वहां पर एक स्कल है जो बोन से बना हुआ है, क्रेनियल, स्पेशली स्कल का क्रेनियल पार्ट जो है तो यहाँ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. दूसरा स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट किया, ये जो दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड. ओके, यू कैन सी दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को बोन के अंदर की जो कैनाल होता है उसके वर्टिब्री के अंदर उसको रखा गया प्रोटेक्शन में. अभी होगा बोन का प्रोटेक्शन, लेकिन इसके साथ ही उनको मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसे कहते हैं तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग का प्रोटेक्शन, जिसे मेनिंजेस कहते हैं. दोनों को है, ब्रेन को भी है, स्पाइनल कॉर्ड को. थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंसेस है दोनों में, बाकी कॉमन तीनों लेयर में हमको देखने को मिलेंगे. जैसे कि तीन लेयर है, पहली है द ड्यूरा मैटर, द सेकेंड इज एरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड इज द पाया मैटर. अब यहां देख सकते हैं कि ये स्पाइनल ब्रेन के अंदर भी है और वहीं हमको ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी दोनों में मिलेंगे. नाउ वन बाय वन, पहला हम देखेंगे ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर एक थिक लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ फाइबरस एंड इट इज नॉन वस्कुलर इन फंक्शन, ए प्रोटेक्टिव होती है. इसके बाद की जो सेकेंड लेन एरेक्नॉइड मैटर है, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है जो ड्यूरा से लगकर होता है, उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, जो भरा होता है एक फ्लूइड से जिसका नाम है सेरस फ्लूइड. देन नेक्स्ट लेयर इज अ एरेक्नॉइड लेयर. द एरेक्नॉइड लेयर इट इज अ मिडल लेयर, जो कि आपको पता है, देन थीन एंड इट इज ऑल्सो नॉन वास्कुलर, बट इट इज ये स्पेशल इसकी है, ये बनी है कनेक्टेड टिश्यू से, जिसका अपियरेंस बिल्कुल वेव जैसा, जैसे कि एक स्पाइडर का जाल होता है, नेटवर्क जाल बनता है, बिल्कुल स्पाइडर को भी एरेक्नाइड में रखा गया, इसलिए इसका नाम एरेक्नाइड मैटर नाम रखा गया. देन थर्ड लेयर जो हम पाया मैटर कहते हैं, एरेक्नाइड और पाया के बीच में भी एक छोटा सा स्पेस होता है एरेक्निड के बाद, उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइडल स्पेस. पाया मैटर के कुछ सेल्स अपना सिक्रीशन इस स्पेस में छोड़ते, उस सिक्रीशन का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड.
ऐसा फ्लूइड जो सेरिब्रम से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता प्रेजेंट होता उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक चीज हमको यहां बताना है कि आगे तो हम उसको डिटेल में जाएंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी अंदर, दोनों के अंदर एक कैविटी होती है, एक जगह होती है, स्पेस होता है। उस कैविटी को ब्रेन में अलग नाम से पुकारा गया, उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स। चार वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर के, और उसमें ये सीएसएफ भरा हुआ है। दूसरा, वही वेंट्रिकल जब स्पाइनल कॉर्ड में शुरू होता है तो वहां वेंट्रिकल नहीं, उसको सेंट्रल कैनाल का, उसमें भी फ्लूइड भरा है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उसको हम आगे डिटेल में देखने वाले। थर्ड लेयर मेनिंजिस की, जिसे हम कहते हैं पाया मैटर। द पाया मैटर इज थीन एंड इट इज मस्कुलर इन नेचर, और ये सबसे अंदर के लिए जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। दिस इज द, नाउ थोड़ा सा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीएसएफ के बारे में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है जिसको सिक्रीट किया जाता है अलग अलग, जिसे हम कहते हैं कि पाया मैटर के जो सेल्स एरेक्नॉइड में ओपन हो रहे हैं, सब एरेक्नॉइडल स्पेस में हो रहे हैं, जहां पर कोराइड प्लेक्सस होते हैं। अब कोराइड प्लेक्सस दो है, हम आगे देखने वाले, एक है एंटेरियरली जो यहां पाया जा रहा, और दूसरा पोस्टेरियरली होता है जो मेडुला में देखने को मिलेगा। देन सेकेंड इज द एपेंडिमल सेल। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की अंदर की लाइनिंग और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की जो सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग है वहां पर कुछ एपेंडिमल सेल्स होते हैं, ये भी इसको सिक्रेट करते हैं। तो ये जो भी सेरिब्रोस्पाइनल का सिक्रीशन होता है, इस सिक्रीशन को बाहर ड्रेन किया, बाहर निकाला जाता, ड्रेन किया जाता है। तो ड्रेन करने की तीन ओपनिंग्स होते हैं। तीन ओपनिंग से आप देखिए यहां पर फोटोग्राफ में देखेंगे, पहली जो दो ओपनिंग कॉमन होते हैं जो कि फोरामेन ऑफ लुश्का कहते हैं, जो कि मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में ओपन होते हैं। दूसरी, तीसरी वाली एक ओपनिंग है जो कि फोरामेन ऑफ मेजेंडी नाम से है, जो कि यहां पर ओपन होती है। ये अपने सीएसएफ को बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। मेनिंजेस के साथ मिलकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब डेलिकेट टिश्यू, वो स्पाइनल कॉर्ड का हो या ब्रेन का हो, जब कोई झटका इंजुरी लगती है, वो मैकेनिकल इंजुरी से बचाने का काम करता है। दूसरा, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो प्रेशर डेवलप करना है, क्रैनियल प्रेशर होता है या स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर, ये मेंटेन करता है। दूसरा, नेक्स्ट वाला जो है कि ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हमको ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू को पहुंचाना है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और वहां से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है या और दूसरे अदर वेस्ट है उसको कलेक्ट कर बाहर पहुंचाने का काम करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है। एक फिर ब्रेन और नर्वस टिश्यू को ये सूखने नहीं देता, इट डज नॉट अलाउ टू डेसिकेट, डेसिकेशन होने नहीं देता। देन अब एक नॉर्मल एडल्ट मेल के अंदर देखा गया कि ये सीएसएफ वाला फ्लूइड जनरली इट इज अबाउट 100 to 120 ml, अब क्रैनियल कैपेसिटी के हिसाब से ही डिपेंड करता है, तो नॉर्मल रेंज है 100 से 120 मिलीलीटर प्रेजेंट होता है। देन ये इसका एसिडिक नेचर, अल्कलाइन होता है। दिस इज द, दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ अब हम जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना है, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। हम स्पाइनल कॉर्ड को अभी नहीं देखने वाले, हम सिर्फ यहां पर देखने वाले हैं ब्रेन। नाउ ब्रेन इज फॉर आवर कन्वीनियंस जहां पर उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। तो पहले हम देखते हैं ब्रेन का जो रीजन हेड रीजन में होता है, इसे कहते हैं सेफेलिक रीजन। इसलिए द स्टडी ऑफ ब्रेन के जितने भी एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे उसे कहते हैं एनसेफेलोलॉजी। देन द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज द फोर ब्रेन, जिसे प्रोसेन्सेफेलॉन कहेंगे। देन सेकेंड इज द मिड ब्रेन, मिसेन्सेफेलॉन। हर एक में सब सेफेलिक रीजन का नाम लगाएगा सेफेलॉन। देन द थर्ड दैट इज द हिंड ब्रेन, जिसे रोम्बेन्सेफेलॉन कहा जाता। हर फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो, तीनों को सब डिवाइड किया गया है, अलग अलग उसमें पार्ट्स है। फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स इंक्लूड है, दैट इज द राइनेन्सेफेलॉन जिसे कहते हैं, जिसे ऑल्फैक्टरी लोब कहा जाता। सेकेंड है टेलेन्सेफेलॉन, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम, यानी ब्रेन में जितने पार्ट्स हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ा होता है 85%। देन द थर्ड इज अ डायन्सेफेलॉन,
जो खुद सब डिवाइड किया गया है तीन सब पार्ट्स में, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देन द मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेरिब्रल पेडंकल एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिचेमिना जिसे कहा जाता है। हिंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन पार्ट, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन इज सब डिवाइडेड इनटू द सेरिबेलम एंड पॉन्स कॉरोरी। देन माइलेनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये हम पूरे पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल्ड में स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्विच द फर्स्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि ऊपर से सेरिब्रम और साइड से पूरा कवर करता है, लेकिन नीचे से वेंट्रल से अगर हम देखेंगे पलटी यानी टर्न कर देखें तो वेंट्रली हमको दो कॉर्ड्स दिखते हैं। ये दो कॉर्ड्स को यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। इसमें ट्रैक्स होते हैं और स्टार्ट एंड में बल्ब लाइक होता है। व्हाट इज द फंक्शन? इसका काम होता है सेंसेशन ऑफ स्मेल को लेना। ब्रेन के उस डिपार्टमेंट में उसको एनालाइज किया जाता और कौन सी स्मेल है वो उसको डिटेक्ट करके उसका ऑर्डर देता है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज अ सेरिब्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अराउंड 85% होता है पूरे ब्रेन में, जितना ब्रेन हम पार्ट्स पढ़ने वाले, सबसे बड़ा पार्ट है। देखा गया ये पूरा सेरिब्रम ऊपर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक लॉन्जिट्यूडनल एक डीप फिशर दिखता है, गहरी एक जैसे कोई चीज में गैप है, वो फिशर को कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल फिशर, जिसकी वजह से ये पूरा सेरिब्रम दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ। इसे कहते हैं हेमिस्फीयर। एक है राइट साइड का हेमिस्फीयर, दूसरा है लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर। ओके, तो ये ऊपर से दिखता है, लेकिन जब एक्चुअली अगर उसको खोलने की कोशिश करें कि ये शायद ये दोनों अलग अलग नहीं, अंदर से एक बैंड होता है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स थिक फाइबर का बैंड होता है आड़ा सा, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। ये स्पेशलिटी होती है एक मैमेलियन ब्रेन की, जो कॉर्पस कैलोसम में पाया जाए। देन जब ब्रेन को स्पेसिफिक सेक्शन में, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इन दिस फोटोग्राफ की, यहाँ पॉइंटर भी है कि आप इसको अगर इस एंगल में अगर कट कर दो तो कट करने पर ये सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। सेक्शन में देखा गया कि आउटर कुछ डार्क शेड दिखा जिसे कॉर्टिक्स कहा जाता, और मिडल में फीका लाइट कलर दिखा उसे का मेडुला कहा जाता। ये आउटर जो डार्क दिखता है एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द ग्रे मैटर, और इनर वॉल जो व्हाइट दिख रहा है दिस इज द व्हाइट मैटर। यहां पर हमको दो नाम मिले, कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, मेडुला मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। अभी आगे हम देखेंगे क्यों ग्रे होता है और क्यों व्हाइट होता है। सरफेस पर सेरिब्रम के देखा गया कि कई कन्वर्जेंस ऐसा उभरा हुआ पार्ट होता है, जैसे कि आप यहां देखेंगे इन दिस वन। देन और कुछ अंदर की तरफ डिप्रेशन होते हैं, थोड़े अंदर की तरफ दबे होते हैं, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, यहां देखेंगे। सो ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है इसे एक को गायरस और प्लूरल वर्ड में गायरे कहते हैं, उसे मैनी गायरे ज्यादा, और डिप्रेशन को एक को सल्कस कहा जाएगा और मैनी को सल्साई कहा जाएगा। क्यों किया गया ये अप एंड डाउन ऐसे क्यों किए गए? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो नर्व सेल्स है वो कम जगह में बिठाना थे, इसलिए फोर्स मार का रखा गया। देन सेरिब्रम में ऐसे सल्कस हम देख रहे हैं जो डीप सल्कस है और कुछ थोड़े से सुपरफिशियल सल्कस है, लेकिन पूरे सेरिब्रम में तीन सल्कस बहुत ज्यादा डीप है। देर आर द थ्री डीप सल्कस पूरे सेरिब्रम के एक हेमिस्फीयर में, दूसरे हेमिस्फीयर में भी सेम है, इसलिए ये तीन डीप कंप्लीट नहीं कह रहे हम, डीप थोड़ा अंदर तक होते हैं सल्कस, जिसकी वजह से ये सेरिब्रम जो है चार अलग अलग लोब्स में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला जो डीप सल्कस है उसका नाम है सेंट्रल सल्कस। जैसे यू कैन सी हियर, ये जो लाइन दी थी दिस वन इज अ सेंट्रल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस की वजह से ये सेरिब्रम दो हिस्से अलग अलग डिवाइड हुए, जिसको हम कहते हैं द फ्रंट का लोब और एक पैराइटल लोब। जैसे ये व्यू में आप देख सकते हैं ये लेटरल व्यू है दिस वन, और ये ऊपर से एंटीरियर व्यू है। यहां पर ये है सेंट्रल सल्कस एक हेमिस्फीयर में, दूसरे हेमिस्फीयर में। ये है फ्रंटल लोब दोनों, ये है पैराइटल लोब, ये दोनों, ठीक है। देन दूसरा सल्कस जो डीप है जिसका नाम है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, जैसी ये पैराइटल रीजन है
और ये डार्क शेड जो दिख रहा है ये ऑसिपिटल, इन दोनों के बीच में डिमार्केट करने वाला एक डीप होता है, थोड़ा गहरा होता है, इस लाइन को, इस सल्कस को कहते हैं पराइटो ऑसिपिटल सल्कस, जिसकी वजह से ये डिवाइड करता है दो अलग लोब, एक है पराइटल लोब, दूसरा है ऑसिपिटल लोब। जैसे कि अब यहां पर देख सकते हैं ये है ऑसिपिटल और ये है पराइटल, दोनों को सेपरेट कर रहा है। थर्ड एंड लास्ट सल्कस इज अ लैटरल सल्कस, साइड वाला होता है, जिसे साइलवियन सल्कस भी कहते हैं। ये डिमार्केट करता है ये वाला, देखिए ये दिस वन यू कैन सी दिस इज अ लैटरल वन, जिसकी वजह से ये पराइटल एंड टेम्पोरल, पर ये पराइटल है और ये नीचे का टेम्पोरल पार्ट है, ये दोनों को सेपरेट करने का काम करता है दिस। सो फाइनली ये तीन सल्कस, सेंट्रल सल्कस, देन द पराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड थर्ड इज अ लैटरल सल्कस, जिसकी वजह से सेरिब्रम के चार लोब्स बन गए। वन इज फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ये चार हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। नाउ ये जो सल्कस डीप हम कह रहे हैं, इतने भी डीप नहीं है कि हर लोब को अलग अलग सेपरेट कर रहे, डिमार्केट कर रहे, नहीं बिल्कुल, ये थोड़े से अंदर होते, पूरा कंप्लीट नहीं होता। एक और फिफ्थ लोब पाया गया, जो कि यहां पर हम देखेंगे कि जो ये लेटरल सल्कस होता है, अगर इसको थोड़ा सा खोल कर देख लो तो अंदर हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम यहाँ इसको सेपरेट किया तो एक और ये ग्रीन कलर का जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला फिफ्थ लोब होता है, जिसको कहते हैं इंसुला या इंसुलर कॉर्टेक्स। ओके, तो पहले चार लोब के नाम थे, अब पांचवे का भी नाम आया जिसे कहते हैं इंसुला। नाउ नेक्स्ट है सेरिब्रम में, हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर एक एंगल में अगर उसको कट करो तो हमको आउटर कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का मिलर और इनर मेड्यूला जो व्हाइट कलर, क्यों व्हाइट और क्यों ग्रे दिखता है? जनरली एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, एक न्यूरॉन एक सेल है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, न्यूरॉन का जो बॉडी होती है जिसे कहते हैं साइटॉन या सेल बॉडी, जिस पर कुछ चीज नहीं लगी होती, वो ग्रे कलर की होती है, उस पर से जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जैसे कि डेंड्रॉन, वो भी ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन एक्सॉन जो मैसेज को लेकर जाने वाला होता है, कुछ एक्सॉन के ऊपर वहां पर एक मैलिन नाम की शीत लगी होती है, मैलिनेटेड, वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट टिश्यू होता है, इसलिए वो व्हाइट अपीयर करता है। तो देखा जिस जगह पर सेल बॉडी है, जिस जगह पर नॉन मेडुलेटेड यानी वो नहीं लगा हुआ है और डेंड्रॉन्स होते हैं, वो ग्रे कलर के दिखना शुरू होते हैं, और जहां पर एक्सॉन जिस पर मेलिन लगा हुआ है वो व्हाइट दिखता है, क्योंकि मेलिन व्हाइट कलर का है। कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स है जिस पर मेलिन नहीं लगा होता एक्सॉन पर, तब वो व्हाइट नहीं, ग्रे ही दिखेगा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द व्हाइट एंड द ग्रे मैटर। देन सेरिब्रम में देखा फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ये अलग अलग जो लोब है इनमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, सबको एक हर एक अपना काम अलग अलग करता है। तो हमको देखना है कि कौन से फंक्शनल लोब्स में कौन से फंक्शनल एरियाज है। तो हम पहले देखेंगे फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब में है एक मोटार एरिया जिसमें वॉलेंट्री एक्टिविटी, जो बॉडी के मूवमेंट्स के वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ये उसको कंट्रोल करने का मैसेज, ऑर्डर, रिस्पॉन्स देता है। दूसरा है यहाँ पर प्री मोटार एरिया, यही फ्रंटल लोब के अंदर प्री मोटार एरिया होता है, जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, प्लस ऑटोनोमस नर्व सिस्टम से भी इसका कनेक्शन होता है। देन नेक्स्ट इज एसोसिएशन एरिया, यहाँ पर एक एसोसिएशन एरिया होता है जो मिलकर काम करता है, किसके साथ मिलकर करता है, ये सेंसेशन और मूवमेंट दोनों को कोऑर्डिनेट कराता है, किसी चीज के एहसास को और उससे होने वाली जो मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट कराने का काम करता है एसोसिएशन एरिया। प्लस द फ्रंटल लोब इज ऑल्सो हैविंग द ब्रोकास एरिया, जिसे मोटार स्पीच एरिया भी कहा जाता है। अब ये ब्रोकास एरिया दिस इज, आप ये डॉटेड लाइन्स में यहाँ देखेंगे कि ये डॉटेड लाइन्स में जो दिख रहा है ये है ब्रोकास एरिया। ये ब्रोकास एरिया जनरली बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसलेट द थॉट्स इनटू स्पीच, यानी आपके जज्बात को, आपके फीलिंग्स को थॉट में, यानी लैंग्वेज को कि इसमें जो तो बोलने में हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन
फ्रंटल लोब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो काम करता है, इट कंट्रोल्स द एक्स इमोशंस, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस कंट्रोल करेगा। दूसरा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाला फ्रंटल लोब है। विल पावर का बात आती है तो यहीं पर किसी चीज को करने का जो विल हम रखते हैं तो यहां से डेवलप होता है। मेमोरी, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ मेमोराइजेशन जो होते हैं यही होता है। देन पर्सनैलिटी को जो डेवलप करता है कि हाउ इट लुक गिव द पर्सनैलिटी, कैसी किसकी भी हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, वो यहाँ पर डेवलप करता है। दिस आर द फ्रंटल लोब, ये हमारा फ्रंटल लोब का यहाँ पर हो गया। देन द सेकेंड इज अ पैराइटल, पैराइटल लोब के अंदर जो काम किया जाएगा दिस ग्रीन वन, जस्ट सी दिस वन ग्रीन वन में जो दिख रहा है पैराइटल लोब, ये सोमेस्थेटिक सेंसेशन वाला एक रीजन है जहां पर पेन, प्रेशर, टेम्परेचर और टेस्ट, इसके जितने भी मैसेज आते हैं और ऑर्डर आते हैं वो यहां से आएगा। जैसे कि कोई काटा चुभ गया, पेन हो रहा है, मच्छर ने काट दिया उसका पेन हो रहा, या पेट में कोई दर्द है उसका एहसास, या प्रेशर कोई चीज आपको पुश कर रही है, वो टेम्परेचर, टेम्परेचर में गर्म होना या ठंडा होना इसको भी आपको फील किया जा रहा कराने का और ऑर्डर आता है। टेस्ट में भी अलग अलग, जैसे हम गस्टेट रिसेप्टर टंग पर प्रेजेंट होते हैं, मीठा है या इट इज सॉल्ट है या कड़वा है, ये जो भी टेस्ट है ये रिसेप्टर उनको यहाँ से ऑर्डर मिलता है, ये है पैराइटल लोब में यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज द टेम्पोरल लोब, ये वाला जहाँ पर टेम्पोरल लोब में सेंटर्स ऑफ स्मेल, यहाँ पर जो कुछ हम स्मेल करते हैं केमिकल चेंज में डिटेक्ट करते हैं कि ये गुलाब की स्मेल है या परफ्यूम की है या किसी और फूड की है, ये हम उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और हियरिंग वाला, जो भी आप आवाज सुन रहे हैं, किसी डॉग की आवाज है या किसी और ड्रम की आवाज है या किसी के चेयर की आवाज है, जो भी साउंड है या आपके कोई रिस्पेक्टिव टीचर की आवाज है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से। बाद में बोलने वाला जो स्पीच है और फेशियल इमोशंस है, ये भी टेम्पोरल लोब के अंदर ही उसको रखा गया। देन लास्ट एंड लास्ट फंक्शनल एरिया इन द लास्ट लोब, दैट इज द ऑसिपिटल लोब, ये वाला। द ऑसिपिटल लोब जो होता है जनरली इट इज कंसर्न्ड विद अ विजुअल एरिया कहा जाता, जहाँ सेंसेशन ऑफ विजन, आंख से जो कुछ हम देखेंगे, समझेंगे और मेमोराइज कर रखेंगे, वो डिपार्टमेंट ये होता है जहाँ पर उसको काम किया दिया गया। दिस इज द पिंक कलर, जस्ट यू कैन सी दिस इज द पिंक ऑसिपिटल लोब। सो दिस आर द डिफरेंट फंक्शनल एरिया। नाउ एक और है जो कि टेम्पोरल वाला जोन, पैराइटल वाला जोन और ऑसिपिटल, इन तीनों के पास में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर तीनों के इसमें होता है जंक्शन पर। दिस इज कॉल्ड द वर्निक्स एरिया, इसे इंटेलिजेंस सेंटर भी कहते हैं। ये करता क्या है, ये हमको मदद करता है जो वर्ड्स हम कह रहे हैं, द स्पोकन वर्ड्स और रिटन जो भी टेक्स्ट है उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमको हेल्प करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्निक्स एरिया। सो दिस आर द डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एरियाज इन डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरिब्रम। नाउ फोर ब्रेन का हम देख रहे हैं कि फोर ब्रेन में ये सारी चीजें हैं कि आउटर इज द ग्रे मैटर, इनर इज द व्हाइट मैटर, लेकिन व्हाइट मैटर में कुछ जगह पर देखा गया कि कुछ स्पॉट्स ग्रे कलर के दिखे, मिक्स कुछ ग्रे कलर के धब्बे दिखते हैं, डॉट्स दिखते हैं, ये स्पॉट्स को कहा जाता है बेसल न्यूक्लिया या बेसल गैंग्लिया। जनरली इनका काम होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल जो अलग अलग पार्ट से आते हैं, न्यूरॉन से कुछ ट्रांसमिट करने वाले मैसेज के केमिकल्स होते हैं, वो यहाँ से लिया जाता। इसकी मदद से सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ ऑर्डर्स होते हैं या एक्शंस होते हैं, जैसे कि आप बैठे बैठे स्लोली लिख रहे या अचानक ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है या आप टाइपिंग की स्पीड में स्लो या फास्ट जो करते हैं अनकॉन्शियस लेवल पर हो जाता है, वैसे ऑर्डर्स को यहां से भेजा जाता इन बेसल न्यूक्लियाई से। सो ये बेसल, ऐसे न्यूक्लिया हमको बहुत सारे जगह पर देखने को मिलेंगे कि डार्क शेड के स्पॉट्स व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे के इनको दिखने, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। नाउ सेरिब्रम के अंदर हम और एक चीज देखते हैं कि ऐसे ही गैंग्लिया, सॉरी न्यूक्लियाई जो कि प्रेजेंट रहेंगे फ्लोर ऑफ द सेरिब्रम, जैसे कि ये सेरिब्रम के फ्लोर का पार्ट यहाँ पर, स्पेशली यहाँ पर, यहाँ हम देखते हैं कि कॉर्डेट न्यूक्लियस एक है, बहुत पुटामैन है एंड ग्लोबस पैलिडस, ये वन यू कैन सी दिस इज द टू सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, ये तीनों को मिलाकर यहाँ पर कॉर्पस काइटम कहा जाता है, ये सेरिब्रम के अंदर है। ओके, देन द
question arises, what is EEG? EEG is nothing but the electro, E for electro, E say encephalo, G say gram. Electroencephalogram एक ऐसा टेस्ट है जहां पर ह्यूमन ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बनते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता इलेक्ट्रोड्स की मदद से और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता, यह होता है ईईजी। ईईजी यूज की जाती है उन निकले हुए इम्पल्सिस को डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करने के बाद उससे वो नॉर्मल वेव्स इम्पल्स बन रहे हैं या एबनॉर्मल वेव्स बन रहे हैं, ये हमको हेल्प करता है डायग्नोस करने के लिए द एपिलेप्सी एज वेल एज द डिफरेंट अदर ब्रेन डिसऑर्डर्स को इसको यूज किया जाता। नॉर्मली ये इम्पल्स कंटिन्यूसली आप बैठे हो, काम कर रहे हो या सो रहे, ये इम्पल्स जनरेट होते रहते हैं ह्यूमन ब्रेन में। सेकेंड पार्ट था सेरिब्रम, अब थर्ड पार्ट है डायन्सेफलॉन। फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट डायन्सेफलॉन, जिसको भी तीन पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है, एक है एपिथैलेमस, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। ओके, लोकेशन हम देखेंगे तो यह है कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर, दोनों के बीच में हमको देखने को मिलेगा। ब्रेन में जैसा हमने आपको पहले बताया, सेरिब्रम में और स्पाइनल कॉर्ड में, सीएनएस में स्पेशली कैविटीज पाए गए जिसमें सीएसएफ को रखा गया। तो कैविटीज सेरिब्रम में, जैसे कि आप यहां देखिए कैविटी में आपको लेजर जहां रखा हुआ देखने को मिला, कैविटीज में ये नंबर वन कैविटी है एक हेमिस्फीयर में, ये दूसरी कैविटी है दूसरे हेमिस्फीयर में, इसे कहते हैं वेंट्रिकल फर्स्ट वेंट्रिकल सेकेंड। यहां आप देखेंगे दिस इज द वेंट्रिकल थर्ड, लेकिन ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड में खुलता है एक कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ते से, जिसको कहते हैं फोरमेन ऑफ मोनरो। दिस इज द एक रास्ता जो फर्स्ट सेकेंड वेंट्रिकल को थर्ड में ओपन करा रहा है। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल जो मिलता है हमको, ये होता है डायन्सेफलॉन के अंदर। ठीक है, डायन्सेफलॉन का जो पहला पार्ट जिसे हम कह रहे हैं एपिथैलेमस, इट इज अ नॉन नर्वस रूफ, यानी नॉन नर्वस टिश्यू से बना हुआ उसका एक रूफ पार्ट होता है, छत का पार्ट होता है। एंटीरियरली ये फ्यूज किया जाता है और फ्यूज होने के बाद वहां बनता है कोराइड प्लेक्सस, प्लस उसके डॉर्सल वॉल को कनेक्ट किया जाता है ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज द पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड एक इनिशियली जब रिसर्चेस चल रहे थे तो ऐसा समझा गया था कि इट इज अ वेस्टिजियल ग्लैंड। वेस्टिजियल ग्लैंड किसे कहते हैं? ऐसी ग्लैंड जो कि नॉन फंक्शनल है। ओके, प्रीवियस इनके एंसेस्टर में वो फंक्शनल थी, लेकिन वक्त के साथ इन लोग ने उसका यूज कम करते गए, ग्लैंड तो रह गई या ऑर्गन तो रहेगा लेकिन अब फंक्शन नहीं करता, उसे कहते हैं वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल। तो ये पहले समझा गया था कि इट इज द नॉन फंक्शनल, बट लेटर ऑन पता चला कि एक सीक्रेट वन हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जनरली एक ऐसा हार्मोन है जो कि नींद को इंड्यूस कराता है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, प्लस इट कंट्रोल्स, इट हैज द रिलेशन विद द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पर भी इसका इफेक्ट होता है। देन डायन्सेफलॉन का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं थैलेमस, दिस आर द एक्चुअल लेटरल वॉल्स। हर लेटरल वॉल थिक होते हैं, ग्रे मैटर से बने होते हैं और हर एक दूसरे से कनेक्टेड किए गए, कनेक्शन जिसे कहते हैं हेमनकुलर कमीशर से जोड़े जाते हैं। देन ये जो थैलेमस है जनरली एक रेटिकुलर एक्टिविटिंग सिस्टम, आर ए सिस्टम जिसे कहते हैं, उसका ये एक पार्ट बनता है कि जो मैसेजेस नीचे से यानी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर सेरिब्रम को जा रहे हैं या सेरिब्रम से जो ऑर्डर नीचे जा रहे हैं, ये उनको लेकर जाने और आने का एक रास्ता होता है, कॉमन पैसेज होता है, एक रिले सेंटर होता है। सो दैट्स व्हाई ये पूरे इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट वहां से जाने का रास्ता देता है, सिर्फ एक छोड़कर, वो है द ऑल्फैक्टरी, यानी सेंसेशन ऑफ स्मेल छोड़कर, टेस्ट है, ऑडिटरी है, विजन है, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, सबको इससे जाना पड़ता है, सिर्फ सेंसेशन ऑफ स्मेल को छोड़कर। देन थर्ड वेंट्रिकल, जैसे कि हमको पता है कि डायन्सेफलॉन के में पाया जाता, लेकिन ये थर्ड वेंट्रिकल ऊपर वाले दोनों से कनेक्ट होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और नीचे वाला जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ये वाला, ये फोर्थ वेंट्रिकल से भी कंटिन्यू किया जाता है। तो वो फोर्थ वेंट्रिकल का एक कॉमन रास्ता थर्ड से फोर्थ में जाने वाला, वो बनता है बाय अ डक्ट ऑफ साइलवियस, या जिसे ईटर भी कहते हैं। ये है थर्ड का फोर्थ वेंट्रिकल में जाने वाला एक कॉमन पैसेज। देन
द लास्ट पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन फोरब्रेन के डायनसेफेलॉन का तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मींस के नीचे, थैलेमस के नीचे का पार्ट। ये फ्लोर होता है नीचे का निचला पार्ट। इसके अंदर देखा गया कि हाइपोथैलेमस में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स को दिया गया है। जैसे क्या क्या देख रहे हैं, दिस इज द ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स और देन यू कैन सी द रेड कलर ब्लड वेसल। ये इतने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें पोर्टल वेन्स कहा जाता है। ये सबको मिलाकर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन कहते हैं, क्योंकि यहां पर दो नाम लगाए हैं। हाइपोथैलेमस ये नीचे का, दूसरा नीचे एक ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोफेसियल ग्लैंड कहते हैं, इसलिए दोनों के नाम से पोर्टल वेन का नाम रखेगा। काम क्या है ब्लड वेसल्स का? ये ब्लड वेसल्स एक फीडबैक का मैकेनिज्म करते हैं कि बॉडी में कहीं अगर बहुत ज्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ तो ये मैसेज लाते कि बहुत ज्यादा हुआ, अब रोक दो। अगर किसी जगह कम हो रहा है सिक्रीशन तो वहां भेजने का ऑर्डर लाते कि मैसेज की नीड ऑफ सिक्रीशन है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म का काम करते हैं। देन इट ऑल्सो मेंटेन द होम्योस्टेसिस एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर कंट्रोल। जो भी इनवॉलंटरी बिहेवियर मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल का काम ये करता है। हाइपोथैलेमस में भी एक न्यूक्लिया है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया, जो कि यहाँ पर इन इट्स व्हाइट मैटर में हमको देखने को मिलता है। डेफिनेटली व्हाइट मैटर में ही ग्रे मैटर के स्पॉट्स दिखते हैं, तो वैसे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया। ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया कुछ सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन्स को। ये नॉर्मली न्यूरॉन्स सिक्रीट नहीं करते, लेकिन ये यहाँ एक अजीब काम करते हैं कि ये सिक्रीट करते टू हार्मोन्स जिसे कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स कहा जाता। ये हार्मोन सिक्रीट करते वन हार्मोन दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज किया जाता एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ऑल्सो वैसोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में जब पानी नहीं होता, यूरिन में बहुत ज्यादा वाटर बना, ये रिलीज करते हैं जिसके वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को रिलीज किया जाता है और वाटर को रीअब्सॉर्ब। तो ये दोनों भी हार्मोन बनाकर रखे जाते हैं और यहाँ रखे जाते हैं इस लोब में, और रिलीज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब भी जरूरत होती तब उसको रिलीज किया जाएगा। हाइपोथैलेमस का अगर हम फंक्शन देखते हैं जनरली, तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा कनेक्शन है जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट से शुरू होता और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम का ऑर्डर्स देता है। तो ये दोनों के बीच का एक कनेक्शन है, इट्स इट इज अ लिंक बिटवीन, एक ऐसा सेंटर जहां पर एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्डर्स जाते हैं, हार्मोन्स बनाने के ऑर्डर्स यहाँ तैयार होते हैं। ये कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन रेट को, ब्लड के प्रेशर को, बॉडी के टेम्परेचर को, और बॉडी के अंदर के वाटर और मिनरल्स के बैलेंस रखने का भी काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को। देन ये एक ऐसा सेंटर है जहां पर भूख लगना, प्यास लगना, नींद का आना, बोर होना, फटीगनेस डेवलपमेंट और सेटिस्फेक्शन जिसे हम कहते हैं सटाइटी का सेंटर, और स्टमक के अंदर उस इंटेस्टाइन में जो सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस है, SCL है, ये ग्लैंड्स के ऑर्डर्स भी यहां से दिए जाएंगे। देन ये प्रोड्यूस करता है कुछ ऑर्डर्स जिन्हें कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से ऑर्डर निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर निकलता है दूसरे ग्लैंड को। तो मेन हार्मोन ऑर्डर जैसे कि रिलीजिंग ऑर्डर एंड इनहिबिटिंग ऑर्डर यहां से दिया जाता है। देन हाइपोथैलेमस में एक और सर्किट होता है, सर्किट मतलब कुछ चीजों के जुड़कर एक कनेक्शन बनाया जाए, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन घूमती रहती है जिसे हम कहते हैं सर्किट। जैसे कि हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस का अमिगडाला, यहां पर आप देखेंगे हाइपोथैलेमस का अमिगडाला, दूसरा यहां पर कुछ एपिथैलेमस और थैलेमस के पार्ट्स ये भी है, देन द हिप्पोकैम्पस और उसके अलावा कुछ पार्ट, ये सब मिलाकर एक सेंटर, एक सर्किट तैयार करते हैं। उस सर्किट को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ओके, लिम्बिक सिस्टम का काम होता है टू कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल जो रिएक्शंस रहेंगे, चेंजेस आएंगे, मोटिवेशनल ड्राइव। मोटिवेशनल तो किसी चीज को देखकर आप मोटिवेट होते हैं और उसको करने की इच्छा करते हैं, चाहत रखते हैं, तो वो मोटिवेशनल ड्राइव है, एंड ऑल्सो द मेमोरी। देन हाइपोथैलेमस के फ्लोर पर एक डाउनवर्ड में एक प्रोजेक्शन होता है, एक डंडी होती है, उस डंडी का नाम है हाइपोफाइसियल स्टॉक
या उसे इन्फंडिबुलम भी कहा जाएगा। ये इन्फंडिबुलम से एक ग्लैंड अटैच है जिसका नाम है पिच्यूटरी ग्लैंड। ये है देखिए पिच्यूटरी ग्लैंड, आप देखेंगे ये जो लटकी हुई दिख रही है पिच्यूटरी ग्लैंड, ये पिच्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली फिजिकली कनेक्टेड है, दूसरा फंक्शनली भी यहां से ऑर्डर आते तब काम करती, तो दोनों फिजिकली एज वेल एज फंक्शनली ये कनेक्टेड हमको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, हाइपोथैलेमस के लोअर इंफीरियर सरफेस पर हमको ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक कहते हैं ब्रेन से आने वाले जो नर्व्स होते हैं वो क्रॉस होते हैं, यानी लेफ्ट राइट आई का कनेक्शन लेफ्ट से आ रहा और लेफ्ट का राइट से आ रहा क्रॉसिंग होती है, इसे कहते हैं काइज़मा। तो यहाँ पर ऑप्टिक काइज़मा आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्टिक काइज़मा ये उसको जूम किया हुआ, उसके नीचे हमको देखने को मिलती है एक जोड़ी होती है मेमिलरी बॉडीज की, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है मेमेलियन ब्रेन का। ये हमको यहाँ रिकलेक्टिव मेमोरी में सपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर ब्रेन। सेकेंड इज अ मिड ब्रेन, दो पार्ट से बना हुआ है मिड ब्रेन। वन इज कॉल्ड एज द क्रूर, जिसे वन पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिचेमिना, दूसरा पार्ट यहां पर क्रूरा सेरिब्रल। लेकिन मिड ब्रेन में हमने देख रहे हैं कि थर्ड वेंट्रिकल का जो रास्ता फोर्थ वेंट्रिकल में कंटिन्यू कर रहा है, देखो थर्ड वेंट्रिकल कंटिन्यूज इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, लेकिन जो दोनों को कनेक्ट कर कर जा रहा है जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ साइलवियस, एक्विडक्ट ऑफ साइलवियस या इटर, ये यहां से होते हुए जाता है, मिड ब्रेन से होते हुए जाता है। तो यहां पर हमको लोकेशन बताता है, पहला पार्ट जो मिड ब्रेन में है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। अब कॉर्पोरा मीन्स द सेल लाइक कुछ सोलन बॉडी, क्वाड्री मीन्स द चार, जेमिना मीन्स बॉडीज, तो यहां पर चार बॉडीज आपको दिखनेंगे। तो टू पेयर ऑफ हमको देखने को मिल रहे हैं, पहला है देखिए यहां पर यू कैन सी हियर दिस वन, दिस इज द वन पेयर वन एंड दिस इज द एक पहली है सुपेरियर, उसी के नीचे हमको दूसरी देखने मिली इंफेरियर। ओके सुपेरियर एंड इंफेरियर यहां दो है। अब सुपेरियर बाइजेमिना या सुपेरियर कॉलिकुलाई करते क्या है, ये कंट्रोल करते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल रिफ्लेक्स किसे कहेंगे पहले समझ लो, रिफ्लेक्स कहते हैं कोई भी ऐसी मूवमेंट जो क्विक होती है, ऑटोनोमस होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपके बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होती है जिसका आपको नोन नहीं होता, उस मूवमेंट को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहां यह कंट्रोल करता है विजुअल रिफ्लेक्स, यानी जैसे कि अगर कोई चीज आपके सामने से जा रही है तो आप उसको देखते हुए जब जो हेड की मूवमेंट हुई उसके साथ साथ वो जो हेड मूव हुआ अनोविंगली आपको पता भी नहीं चला, वो मूवमेंट कराता है ये सुपीरियर कॉलिकुलाई। ओके देन इंफीरियर कॉलिकुलाई भी रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है ऑडिटरी, ये है इंफीरियर वाले। इंफीरियर क्या, इंफीरियर में कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब ये कंट्रोल करता है ऐसी मूवमेंट ऑफ हेड को, जब कोई चीज की आवाज आपको सुनाई देती है तो पीछे से या साइड से आपको कोई आवाज दे रहा है, तब आप उस तरफ पलटते हैं या उसका तरफ आपका हेड जाता है, कौन आवाज दिया, तो वो मूवमेंट ऑफ हेड जो होती है वो इस इंफीरियर कॉलिकुलाई के अंडर में होती है। सो ये हुआ चार, ऊपर दो नीचे दो। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज अ सेरिब्रल पेडंकल, जैसे क्रूरा सेरिब्राय कहते हैं, यही भी सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये वाला दिस वन, यहाँ पर वी कैन सी द फाइबरस थिक बैंड्स होते हैं, ये इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ ट्रैक्स होते हैं जो कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनता है, जहाँ पर हमने थैलेमस में देखे थे वहां पर इसका पार्ट बनता है और एक कनेक्ट कराता है ऊपर के पार्ट को सेरिब्रम को और नीचे के स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कराने का काम करता है। दिस इज द सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल के सेंटर में देखा गया कि यहाँ पर आप देखिए सेंटर में जहां पर आपको ये पॉइंटर दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर कुछ ग्रे मैटर स्कैटर्ड पाए गए, दिस ग्रे मैटर्स दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज द रेड न्यूक्लियस, इन्हीं को रेड न्यूक्लियस कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल करते हैं रेड न्यूक्लियस, क्या करते हैं ये बॉडी के पोस्चर को, मसल्स के टोन को, मतलब मसल अगर मसल की अच्छी टोन है तो वर्क करती वरना नहीं करेंगी, प्लस कुछ मोटर एक्टिविटीज को भी ये मॉडिफाई करते हैं और प्लस कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो आसानी से हो जाए। सो दिस इज दिस आर द फंक्शंस ऑफ दिस रेड न्यूक्लियर। द लास्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट ब्रेन का तीसरा पार्ट दैट इज द हिंड ब्रेन।
पहला पार्ट देखे हमने फोर ब्रेन, दूसरा देखे हमने मिड ब्रेन, अब तीसरा हिंड ब्रेन। द हिंड ब्रेन इज द पोस्टियर रीजन जो कि तीन पार्ट से बना है। वन इज द पॉन्स वरोली, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। लेट्स सी वन बाय वन हम देखेंगे। आपको यहां देखेंगे दिस इज द पॉन्स, दिस इज द सेरिबेलम एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नंबर वन इज अ पॉन्स, एक राउंड बल्जेड रीजन जो कि इनर अंडर साइड में हमको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। इसके अंदर क्रॉस बैंड्स होते हैं, क्रॉस बैंड्स ये कनेक्ट कराता है, जनरली कनेक्ट कराएंगे सेरिब्रम से सेरिबेलम को, बाद में मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से स्पाइनल कॉर्ड को, कनेक्ट कराने का काम बैंड्स यहां से निकलते हैं। इसके अंदर भी काफी ग्रे मैटर आर सीन इन द व्हाइट मैटर न्यूक्लिया हमको देखने को मिलेंगे मेनी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिंडब्रेन इज अ सेरिबेलम। सेरिबेलम इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। पहला कौन सा था? सेरिबेलम 85% था, और ये कितना है? 11% होता ऑलमोस्ट अराउंड। तो हम देखते 85 और प्लस 11 यानी अराउंड 96% ये दोनों ने लिए, बचे भी 4% में सवार है, याद रखना। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसमें भी हमको सेरिब्रम की तरह हेमिस्फीयर मिलेंगे, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर सेरिबेलार एक हेमिस्फीयर, दूसरा सेरिबेलार, लेकिन दोनों को कनेक्ट करा गया एक कॉमन जिसे हम कहते हैं वर्मिस, सेंटर में उसको जोड़कर रखता है वर्मिस। देन इसके सेक्शन में अगर हम देखते तो ये भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर से बना हुआ है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी आउटर एंड इनर रीजन हमको देखने को मिला। आउटर इज हियर ग्रे एंड इनर इज अ व्हाइट मैटर, लेकिन व्हाइट मैटर थोड़ा अजीब मिक्सेस हुआ, इंटरमिक्सेस हुआ, किसमें? ग्रे मैटर गया, ऐसा गया जैसे कि कोई ब्रांचिंग हो, जैसे कि कोई रूट फॉर्मेशन हो रही, जैसे यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर हमको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये जो व्हाइट मैटर रूट जैसा ब्रांचिंग बना उसे कहते हैं अर्बोर वाइटी। ओके, देन इसके अंदर भी हमको कई एलिवेशंस, गायरस और डिप्रेशंस, सल्कस भी देखने को मिलते हैं, दोनों ही स्पेयर में हमको देखने को मिलेंगे। देन सेरिबेलम के कॉर्टेक्स में यानी ग्रे मैटर में तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। देन दे आर हैविंग द थ्री पेयर्स ऑफ मेलिनेटेड नर्व बंडल्स, जस्ट सी दिस इज द वन बंडल, दिस इज द सेकेंड बंडल एंड दिस इज द थर्ड बंडल। ये तीनों बंडल को कहते हैं सेरिबेलार पेडंकल्स। इनका काम होता है कनेक्ट कराने का, सेरिबेलम को कनेक्ट कराता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीएनएस। अब सीएनएस में कौन है? ऊपर सेरिब्रम है, नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके अलावा जो दूसरे पार्ट्स है उनको कनेक्ट कराता है यहाँ से। देन व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम? इस सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट के फंक्शंस ये है कि इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन जहां पर हमारे बॉडी को, पोस्चर को बैलेंस, इक्विलिब्रियम रखा जाता, सीधा हम जो खड़े रह सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और हमारे जो बॉडी की वॉलेंट्री एक्टिविटीज होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ये उसको बैलेंस करता, मॉडरेट पोजीशन पर रखता है, प्लस मसल स्टोन को भी मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है सेरिबेलम। देन इट इज वन ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, न्यूरोन और मसल का जो कनेक्शन है जिसमें एक्टिविटीज होती है, जो उसको कंट्रोल करता है और उसकी एक्टिविटीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वॉकिंग करना, जैसे कि रनिंग करना, जैसे कि स्पीकिंग करना, बात करना, चलना, ये सारे एक्टिविटीज जो मसल्स और नर्व्स के कोऑर्डिनेशन में होते हैं ये काम कर रहा है। इसके अलावा सेरिबेलम में जितने भी एक्टिव होते हैं सब के सब इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मीन्स वी आर नॉट हैविंग द कंट्रोल ओवर दैट एक्टिविटीज। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। Medulla oblongata is nothing but the posterior conical part, जो कि यहां पर हम देखते हैं इसमें, this one is the medulla oblongata। ये 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, उसके बाद ये नीचे जब कंटिन्यू होता है तो यहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू किया जाएगा, तो 45 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 42 सेंटीमीटर स्पाइनल कॉर्ड होता है। Medulla oblongata में भी हम देखते हैं कि आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला यानी बाहर की तरफ भी मैटर लगा है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, लेकिन यहाँ थोड़ा पोजीशन चेंज है। अब तक हमने देखे कि आउटर ग्रे मैटर था और इनर व्हाइट मैटर था, अब यहाँ पोजीशन बदल गई, इनर हो गया ग्रे मैटर, आउटर हो गया
व्हाइट मैटर, ये पोजीशन यहां से चेंज हुआ, आपको ये याद रखना है कि ये लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। देन मिडल ऑफ लॉन्गेटा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों को कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स को, एक्शंस को। जैसे कि इनवॉलेंट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, हार्ट बीट पर इसका कनेक्शन है, रेस्पिरेटरी रेट, और क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करता है, वैसो मोटर ब्लड वेसल्स को भी मोटर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प कराता है। देन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होती है, जैसे कि इसोफेगस भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, स्टमक के अंदर मूवमेंट हो रही है, देन वजाइनल ट्रैक्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है, ये सारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यहाँ से कंट्रोल करने का ऑर्डर मेडुला ऑब्लोंगेटा देता है। ये तो हुए सारे जिनका होना जरूरी है, जिन्हें हम वाइटल कह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन नॉन वाइटल, जिसके होने से फर्क नहीं पड़ता, ना होने से भी नहीं, हम कहते हैं नॉन वाइटल, लेकिन ये हो रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे कि कफिंग, देन स्नीजिंग, छींकना, स्वाल्विंग, खाना जब आप निगलते अंदर, जो डिग्लुटेशन कहते हैं, देन वॉमिटिंग, अनवांटेड रिफ्लेक्स होकर जो बॉडी से फूड बाहर निकलता स्टमक से, यॉनिंग एक्सेट्रा, ये सारे मूवमेंट्स है जो यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। सो वाइटल एज वेल एज नॉन वाइटल एक्टिविटीज आर कंट्रोल हियर। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी चौथा वेंट्रिकल है। पहला वेंट्रिकल हम देखे सेरिब्रम में, फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड वेंट्रिकल था डायनसेफलम में, फोर्थ वेंट्रिकल है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल, इसको मेटासील कहते हैं। इस वेंट्रिकल के रूफ पर, यानी ये देखिए, दिस वन यू कैन सी, दिस वन, दिस इज द रूफ, जहां पर पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्स पाया जाता, ये जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करने का काम करता है। सो दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो सीएसएफ का सिक्रीशन बाहर निकल रहा है, जहाँ तीन ओपनिंग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक जोड़ी है लुस्का की जो सीएसएफ को बाहर निकलती है, एक और मीडियल वन फोरामेन है, इसे मैजेंडी कहते हैं, ये निकालती है। तो हमने पूरे वीडियो में नर्व सिस्टम को तीन पार्ट में देखे, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस को हमने स्टार्ट किए, सीएनएस में हमने देखे फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमने सिर्फ ब्रेन पर फोकस किए, ब्रेन इज मेड ऑफ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हमने हर एक पार्ट को डिटेल में देखे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व सिस्टम का ब्रेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।